इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता और मीठा फल है वो है अंगूर। इस मीठे फल से आज बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। अक्सर जब हम कराची हलवा बनाने की सोचते हैं तो उसमें ढेर सारा घी डलेगा ये सोच के बनाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम घी में, बहुत ही कम मेहनत में ये मिठाई इतनी बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी कि कराची हलवे को भी भूल जाएंगे। एक और बात, इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। ये जेली नहीं है कि फ्रिज में रखें, सेट हो जाए, बाहर निकालें और मेल्ट हो जाए। ये लंबी चलने वाली मिठाई है, स्वादिष्ट है। इस मिठाई में कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे इसका कलर भी बिल्कुल कराची हलवे की तरह आए। सिर्फ 3 चम्मच घी से बनकर तैयार होगी 1 किलो मिठाई। इसके लिए मैंने लिए 1 केजी अंगूर। अंगूर जब आप खरीदें तो कोशिश करें कि जो अंगूर हम ले रहे हैं लंबे वाले मीठे हों। अक्सर हम अंगूर जब लाते हैं तो सोच के यही लाते हैं कि वो मीठे होने चाहिए, तो इस मिठाई के लिए जितना मीठा अंगूर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। पूरे अंगूर को अच्छे से वॉश कर लीजिए 1-2 बार पानी से और उनके जो डंठल हैं हटा दीजिए और सारे अंगूर के दानों को मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लीजिए। जरूरत लगे तो 1/2 कप पानी जरूर डालिए जिससे ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा रस निकले, इसका जो वेस्ट पार्ट है वो बहुत कम निकले। इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। मिक्सी का जार अगर छोटा है तो 2 बार पीस लीजिए और इसे आप छान लीजिए। देखा ना आपने कितना परफेक्ट जिसका जूस निकला है, क्योंकि हमने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पीसा है। अब ये जो वेस्ट पार्ट है बहुत ही कम निकला है, काफी क्वांटिटी में जूस निकला है। अब इसमें जो हम कुछ मिलाने वाले हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो ये है कि मैं इसमें करीब करीब 100 ग्राम काले अंगूर भी मिलाना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि काले अंगूर नहीं मिलाएंगे तो आपकी मिठाई नहीं बनेगी, बस इसका रंग और ज्यादा अच्छा आएगा। तो काले अंगूर, लाल अंगूर जिसको आप बोलते हो, तो 100 ग्राम करीब जो मेरे पास घर में पड़े थे मैंने वो ले लिए हैं और उसको भी इसी तरीके से जूस निकाल लिया है। जूस निकालने के बाद इसको मैंने अलग रखा है। पहले हरे वाले जूस को मैं नाप रही हूँ, करीब करीब 3 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, चलेगा। अब इसमें 1 कप लाल वाला जूस भी निकला है जो काले अंगूर का, वो भी मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ। आपको लगेगा ये कलर तो बहुत ही अजीब हो गया, इसलिए कि इसका आगे जाके कलर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 कप भर के कॉर्नफ्लोर, जिसे आरारोट भी कहते हो, कॉर्नफ्लोर भी कहते हो, तो वो हमें डालना है 1 कप भर के। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मोटे तले का पैन लीजिए जिसमें 2 कप आप चीनी भर के डाल दीजिए, मतलब 4 कप अंगूर का जूस था तो हमें 2 कप चीनी डालनी होगी। अगर अंगूर ज्यादा खट्टे हैं तो 2.5 कप चीनी डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। जैसे चाशनी बनाते हैं तो इसमें हमने पानी बहुत ही कम डाला है, उस हिसाब से फटाफट से 2 से 3 मिनट में 1 तार की चाशनी बन जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पूरा जूस डालिए, लेकिन याद रहे यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना होगा, इसमें जब आप कॉर्नफ्लोर वाला मिश्रण डालेंगे तो आपको छानकर और धीरे धीरे डालना है, नीचे मिक्स करते जाना है, चाहे तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो ये नीचे सेट हो जाएगा। और अगर आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाए तो गैस बंद करके भी कर सकते हो। डालने के बाद आप धीरे धीरे से चलाना शुरू कीजिए। गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए स्लो करके आप उस बर्तन को तैयार करिए जिसमें आप इस मिठाई को सेट करने वाले हो, चाहे कांच का हो, स्टील का हो, एल्यूमिनियम का भी हो, थाली भी हो सकती है, कुछ भी, उस पर थोड़ा घी लगाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब काम हमें फटाफट लास्ट में करना है। अब इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए और इसे फुल फ्लेम पे पकाइए। आप देखेंगे कि फटाफट से मिश्रण गाढ़ा हो रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी रेसिपी मैं बनाती रहूं आपको उसका नोटिफिकेशन फटाफट से मिल सके। जैसे ही इसका मिश्रण गाढ़ा हो जाए तब आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डालें। अब यहाँ देखिए, जो हमने काला अंगूर डाला था ना, जिससे कलर थोड़ा अलग सा लगने लगा था, अब जब हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं तो इसका परफेक्ट ग्रीन कलर आएगा। अगर आप काला अंगूर नहीं डालते तो ग्रीन कलर आपको ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता, तब भी थोड़ा सा कलर में फर्क आ जाता है। तो ये मैंने घर पर बना के देखा है कई बार, मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा ही आपके साथ शेयर करूं।
अब लगातार इसे चलाते रहिए। कुछ बूंदे अगर घर में है तो केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, नहीं तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है इसे और पकाने की, क्योंकि हम बना रहे हैं जेली नहीं कराची हलवा। तो अब इसमें एक चम्मच घी डाल दीजिए और इसे तेज आंच पर पकाते जाइए। बस आपको मिलाते रहना है, इसे गाढ़ा करते रहना है और एक एक चम्मच करके आपको तीन बार घी डालना है, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट न बने। प्लेट में आप थोड़ा थोड़ा डालकर देख लीजिए, फैले नहीं, अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी हो, बस उस टाइम आपको क्या करना है, इस सारे मिश्रण को ग्लास का जो हमने बर्तन सेट करके रखा है, जिसमें घी लगाया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, मैंने तो थोड़े काजू और खरबूजे के बीज डाले हैं, थोड़ा मिश्रण बचा के रखिए। आपको करना क्या होगा, दो तीन गिलास ले लीजिए, स्टील के हो कांच के हो चलेगा, उसमें भी थोड़ा घी लगाकर आप इसमें डाल दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, मैं दो तरीके से बताऊंगी। इसे 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखिए, कभी भी इसको फ्रिज में बिल्कुल मत रखिए। फ्रिज में जल्दी जम तो जाएगा पर शाइनी नहीं रहेगा जैसा ये शाइनी है। आप 3-4 घंटे बाहर रख लीजिए। 3 घंटे बाद में आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया सेट हो चुका है। मतलब आप हाथों से इसे थोड़ा हिलाने की कोशिश कर रहे तो उसने साइड छोड़ दिए हैं। अब आती है बारी इसे पलटने की। इसके ऊपर कोई ट्रे या प्लेट या कोई बड़ी सी प्लेट रख लीजिए और इसे धीरे से पलट लीजिए। आप देखेंगे बड़े ही आराम से ये पलट जाता है। अब आपको करना क्या है, शार्प नाइफ से इसे कट कीजिए। बहुत ही नरम, सुपर सॉफ्ट, खाने में बहुत ही मजेदार और सुंदर सा दिखने वाला कराची हलवा बनकर तैयार है। तो ये कराची हलवे में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। जो एक्चुअल कराची हलवा होता है उसमें जूस वगैरह नहीं डाला जाता है, तो इसमें क्या है ना, स्वाद बहुत ज्यादा है। अब बारी आती है जो गिलासों में सेट किया था उसका क्या, उसको भी हम नाइफ डालकर धीरे से आप चला लीजिए, बिल्कुल भी आराम से वो निकल जाएगा। उसे निकाल कर गोल गोल कट कर लीजिए और नारियल के बुरादे में थोड़ा सा रैप कर लीजिए। मतलब बहुत सुंदर लगेगा, यहाँ पर ये मिठाई बिल्कुल पेठे जैसी लग रही है। तो पेठे जैसा लुक आ रहा है वो कराची हलवाई, तो ये चॉइस आपकी है, या ड्राई फ्रूट लगा दीजिए या नारियल के बुरादे में। बस इसे आराम से एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कभी भी आपका मन करे इसे बनाना बिल्कुल ना भूलें। ये पूरी तरीके से काले अंगूर से भी बनाया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया रेड कलर का ये बनकर तैयार होगा। तो इसे आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।